अधीक्षक कौशाम्बी अभिनंदन सिंह के कुशल निर्देशन में गो तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना अध्यक्ष बलराम सिंह के निर्देश पर पूरा मुफ्ती पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मलाक मोहिद्दीनपुर के पास दो अभियुक्तों इब्राहिम पुत्र स्वर्गीय हारून निवासी असरौली थानापुरा मुफ्ती और अब्दुल रहमान पुत्र मासूक निवासी हटवा थानापुरा मुफ्ती को गिरफ्तार कर कब्जे से सेंट्रो कार में 4 क्विंटल गोमांस बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय थाने में विभिन्न धाराओं और गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के बाद अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया। पुलिस उप निरीक्षक अनिल कुमार मैफोर्स द्वारा एक अभियुक्त इमरान पुत्र अफदर अली निवासी वार्ड नंबर 8 मौलाना आजाद नगर भरवारी थाना कुखराज के कब्जे से एक ही नंबर के 2 अदद कंटेनर UP70GT0250 और 14 भैंस बरामद होने पर स्थानीय थाने पर विभिन्न धाराओं और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के बाद अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया है। जिलाधिकारी कौशाम्बी और पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतों के दृष्टिगत थाना पश्चिम शरीरा अंतर्गत बालू घाटों का निरीक्षण कर संबंधित को दी गई सख्त हिदायत खनन में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन के विरुद्ध चलाए गए अभियान में कई वाहन सीज किए जा चुके हैं। सहरसा में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 151 हुई। आपको बता दें कि जिले में अब तक 98 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और फिलहाल जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 53 है। सभी मरीजों का इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि कुल 2861 लोगों का सैंपल लिया गया जिसमें से 2451 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 180 रिजल्ट पेंडिंग है। साथ ही उन्होंने लोगों को भीड़भाड़ इलाके में जाने से पहले मास्क लगाने की अपील की। कोविड-19 के संबंध में आज दिनांक 20 जून 2020 को आज और कल मिला के कुल 20 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं जिससे पॉजिटिव केसेज की संख्या जिले में 51 हो गई है। साथ ही 11 लोग जो पूर्व से पॉजिटिव थे उनका सैंपल रिसैंपल करके भेजा गया था वो निगेटिव आ गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार टोटल 98 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। इस प्रकार 151 पॉजिटिव और 98 जो रिकवर कर गए उसको बताने के बाद कुल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में 53 है जिनका इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। तो नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं उनको अभी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, उनका इलाज शुरू कर दिया गया। अभी तक टोटल 2861 सैंपल लिए गए हैं, उसमें 2685 सैंपल का रिपोर्ट आ गया है, 2451 सैंपल नेगेटिव है, 180 सैंपल का रिपोर्ट अभी अवेटिंग है जो आजकल में आ जाएगा। इस प्रकार कुल 53 केसेज एक्टिव जिले में चल रहा है जिसका इलाज चल रहा है। मेरा पुनः जिलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि कभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए मास्क का प्रयोग जरूर करें, खासकर जो वल्नरेबल कैटेगरी के लोग जो हैं जैसे वृद्धजन हो गए, गर्भवती माताएं, बच्चे जो हैं उनके लिए विशेषकर जरूरी है कि वो तो अपने घरों में ही रहें या फिर घर से अगर निकलना हो तो मास्क पहने जरूर निकलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप वही हैं। वैसे पूरा जिलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि मास्क का प्रयोग तो खुद भी करें, अपने परिवार को भी करें कहें यूज करें और समाज को भी प्रेरित करें वो तो मास्क यूज करने के लिए ताकि संक्रमण को प्रभावित हम नियंत्रण पा सकें। हम लोग इन शब्दों के साथ मैं जिलेवासियों से कोरोना महामारी के बीच बिहार के बाहर से और बिहार के शहरी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोगों का घर वापसी हुआ है। सरकार के द्वारा इनका स्किल मैपिंग कर रोजी रोजगार का प्रबंध किया जा रहा है और इन परिवारों के साथ लौटे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग का दायित्व बनता है। आपको बता दें कि सरकार के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालय के स्तर पर नामांकन अभियान चलाया जा रहा है ताकि एक भी बच्चे नामांकन से वंचित ना हो और बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना हो। बैठक किया गया है किस मुद्दे पर? आज की बैठक जो है बिहार जो बाहर के लोग आए हैं बिहार से बाहर जो बाहर काम करते थे मजदूर उनके जो बच्चे थे उनके नामांकन के लिए जो है एक तैयारी है सर्वेक्षण हेतु जो बाहर से आए जिसके 5 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका नामांकन के लिए जो है वो एक घर घर जा कर के सर्वे करना है और जब विद्यालय खुलेगा तो फिर उसका नामांकन भी करवाना है। कितने अभी जो है 50,000 जो सरकारी आंकड़ा है 50,000 जो है वो प्रवासी मजदूर अपने जिला में आए हैं सहरसा जिला में और इसके अलावे अन्य स्रोत से भी आए हैं उनका भी है वो अन्य स्रोत से जो भी आए हैं उनका भी जो सर्वे के लिए जो है
करना है, उनका भी नामांकन, उनके भी बच्चे का भी नामांकन करवाना है। सर प्रखंड में कुल कितने शिक्षकों को लगाया गया है? ये अभी हम लोग संकुल स्तर पे डिसाइड करेंगे, संकुल स्तर पे जब बैठक होगी ना तो वो होगा। क्या नाम है सर? श्याम क्या, क्या है आप? SRG मानसी प्रखंड प्रमुख बालवीर चांदनी बख्तियारपुर महादलित टोला में सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। जानकारी के मुताबिक बख्तियारपुर महादलित टोला में लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख बालवीर चांद ने किया। उद्घाटन के उपरांत बालवीर चांद ने कहा कि सामुदायिक शौचालय महादलित के लिए वरदान साबित होगा, खासकर महिलाओं को अब शौच करने बाहर खुले मैदान में अब नहीं जाना पड़ेगा। इधर मुखिया नरेश प्रसाद सहनी ने बताया कि सामुदायिक शौचालय का जो सरकार का लक्ष्य है उसमें सहूलियत होगी। सबसे प्रथम प्रखंड है जो खुले में शौच मुक्त हुआ, उस समय यहाँ जो उपस्थित CLT के सदस्य थे, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, समिति साहब, सरपंच साहब या जो भी जनप्रतिनिधि थे, माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो हम लोग का टीम गठन हुआ था, हम लोग बहुत कारगर तरीके से उस चीज को निभाए और सफल भी बनाए अपने प्रखंड को खुले में शौच मुक्त बनाए। अभी फिलहाल जो ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हर एक महादलित टोला में जो शौचालय का निर्माण हो रहा है और शौचालय बन भी रहा बहुत बेहतरीन तरीके से, हमें लगता है कि रखरखाव भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा और साफ सफाई भी रहेगा और आगे भी जो सरकार की योजनाएँ तो आती रहेगी और हम लोग उसके अनुसार अपना काम करते रहेंगे। स्वच्छता को अपनाना है, स्वच्छ रहना है, स्वच्छ वातावरण बनाना है। कोरोना भी चल रहा है, इसमें भी हम लोग को जो है लापरवाही नहीं करना है, सतर्कता बरतना है, एक दूसरे से अलग रहना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है, ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत तेलीहार गांव में गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम का प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री से सीधा संवाद का पहला अवसर अस्मिता कुमारी को मिला, जिसने मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनी आजीविका का माध्यम बताया। उसके पति दिल्ली के किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। वहीं गुड़गांव हरियाणा में राजमिस्त्री का काम करने वाले जनार्दन शर्मा, अजमेर राजस्थान में एक टावर में काम करने वाले चंदन कुमार, जीविका दीदी सुनीला देवी और प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी गीता देवी भी प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद कर काफी खुश नजर आई। संवाद समाप्ति के बाद जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जीविका के सहयोग से दिए हुए ई रिक्शा के चाबी जीविका दीदी को सौंपी। गाड़ी की चाबी पाकर जीविका दीदी के पूरे परिवार काफी खुश थे। बच्चन फर्श का विषय है कि माननीय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में गड़िया जिले के तेलीहार ग्राम पंचायत को कितना अत्यंत महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की, बहुत ही आभारी, बहुत ही आभारी मान मंत्री विभाग को जिन्होंने हमें एक्सेप्ट किया और सारी योजना जो चल रही रोजगार संबंधी। आज के अभियान की जो शुरुआत गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका उद्देश्य है कि जो श्रमिक राज्य से बाहर से वापस लौटे उन श्रमिकों को, खासकर वैसे जैसे 16 जिले कनेक्ट किए गए हैं जहाँ पर ऐसे लौटे हुए श्रमिकों की संख्या 25,000 या उसमें खगड़िया भी है और बिहार के 38 में से 32 जिले हैं जहाँ पर ये स्थिति है। इस तरीके से खगड़िया में बिहार का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, 32 जिले यहाँ पर बिहार। उत्तर प्रदेश अब अपराधियों का गढ़ बन चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपराधिक वारदातों को रोकने में नाकाम बनी हुई है, तो सरकार के निष्क्रियता और जिम्मेदारों की चुप्पी आपराधिक वारदातों को गति देने का कार्य कर रही है। हालात ऐसे हैं कि देश की आबरू, महिलाएं, बेटियां, जनता, पत्रकार, कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज फैला हुआ है। ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा, बल्कि ऐसा ही नजारा प्रकाश में आया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना अंतर्गत भरवारा गांव में, जहां हवस के भूखे भेड़िए ने एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म कर मुंह काला किया। आपको ज्ञात होगा कि शौच क्रिया को गई एक महिला से दबंगों ने सामूहिक रेप किया और 3 घंटे जंगल झाड़ियों में भेड़ियों की तरह शरीर को नोचा और काटा गया है और मूर्छित होने पर छोड़कर धमकी देकर दबंग भाग गए हैं। क्या नाम है? देव। कहाँ के? भरवारा। क्या घटना हुई है? गलत काम भाव है, पकड़ लेगा गुंडा। कौन कौन? कहाँ के थे? गाँव। वो थाने में रिपोर्ट की? हाँ। कब से हुआ? 7 बजे के 11 बजे लोग करा तरह दिन नशा मारा तरह काटा तरह शरीर में काटे। पुलिस
एड्रेस क्या बोल रही है? शाम कब की घटना है जी? 11 बजे में, 12 बजे, 1 बजे से यहाँ पर। एप्लीकेशन दिया थाने में? थाने में शिकायत की? हाँ। क्या बोल रहे साहब? सच्ची बोल रहे, दो खबर लेता हूँ।